मोदी जी के पास कहाँ से न्यू इंडिया का नारा आया? भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास की समझ नहीं है। आरएसएस थी तो वो, लेकिन बड़ी एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी और चमचागिरी में लगी हुई जासूसी संस्था थी, और इनको जब उस समय की भाषा में टोडी बच्चा बुलाया जाता था। दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं निसमत खान हिंदवर से आपसे मुखातिब हूँ। आजकल बात चर्चा जरा बीजेपी की ज़्यादातर है, क्योंकि कई जगह चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी उसमें आगे आगे काम कर रही है कि हर जगह जीतने का दावा कर रही है और कोशिश भी उसकी यही है। रविंद्र कुमार जी, हम आपसे इसी बात पे बात करना चाहते हैं कि नए नए नारे क्रिएट कर रहे हैं वो। जी जी, तो ये नारे कहाँ से आए, उनके पास किस तरीके से आ रहे हैं? क्योंकि 2014 में तो ऐसा कोई नारा नहीं आया था, इलेक्शन के दौरान ही आ रहे हैं, तो ये नारे कहाँ से आ रहे हैं इनके? और दूसरा सवाल और करूँगा मैं, उसकी है कि दो बहुत बड़ी पोस्ट खाली हो रही हैं इस वक्त, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की और इलेक्शन की। दुनिया में कोई भी आंदोलन हो, कोई भी काल हो, उसका अल्टीमेटली जो उसकी पहचान है वो एक फ्रेज से बनती है, एक नारे से बनती है, एक कहावत से बनती है, और वो कहावत उस युग का जो है एक प्रतीक बन जाती है। जैसे भारत छोड़ो, जैसे 1942 में भारत छोड़ो, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, भारत छोड़ो कहते ही वो पूरा दृश्य आपके दिमाग में आ जाता है। जैसे फिल्म का नाम होता है, जैसे मैं कहूँ मुगले आजम, तो मुगले आजम के बाद आप मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, वही अकबर आ जाएगा, वो सलीम आ जाएगा, वो प्यार किया तो डरना क्या, अब मोहम्मद जिंदाबाद, ये सब नारे आपके दिमाग में आ जाते हैं। तो इसी तरह दुनिया में हर चीज़ के लिए, हर मौके के लिए इतिहास जब उसको अपने काल खंडों में बांटता है तो उसका एक जो टाइटल होता है वो दरअसल नारा होता है। और अब आप देखेंगे कि जैसे आज के दिन में एक नारा जो बंगाल में चल रहा है वो खेला होबे, खेला होबे पहले ममता बनर्जी ने 2016 में कहा, और 2016 में कहा, और 2016 में जब ममता बनर्जी जीत गई तो जीतने के बाद उन्होंने ये नारा जो है बंगाल पहुंचा, बांग्लादेश पहुंचा, और बांग्लादेश की जो सरकार है आज की, उन्होंने भी वहाँ पर वही नारा चलाया, खेला हो पे खेला। अब वो जीतने के बाद जब बंगाल के आपके चुनाव शुरू हुए तो ममता बनर्जी ने फिर कहा खेला हो पे। तो खेला हो पे के नारे को पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने चुरा लिया और कहा खेला हो पे, दीदी का खेला हो पे। और उसके बाद जब इन्हें लगा कि लोग हमारे खिलाफ हो गए तो अब वो नारा फिर दोबारा जो है ममता बनर्जी का ही नारा बन गया, खेला हो पे। और दरअसल इन्होंने खेला होबे कहकर ममता बनर्जी को फ़ायदा पहुंचाया। अब आपके दिमाग में भी ये सवाल आएगा, मेरे दिमाग में भी आएगा, और लोगों के दिमाग में भी आएगा कि खेला होबे का मतलब क्या है, मतलब क्या है? हाँ, किसी को नहीं पता। हाँ, हाँ। खेला होबे अभी क्या होबे, ये तो बताए कि खेला जो होबे जो है वो बंदर है, चिड़िया है, चूहा है, मक्खी है, टेलीविज़न है, हवाई जहाज है, क्या है? तो जब मैं इस पर खोज कर रहा था तो मुझे पता चला कि खेला जो है वो नाटक को बोलते हैं। जब नाटक मंच होता है, अच्छा, तो बंगाल में, खेल झारखंड में नाटक, खेल, खेला हो गए, कहाँ जा रहे हो, खेला, खेला देखा। तो खेला जो है वो दरअसल जो है परफॉर्मेंस का एक नारा है, और वो नारा इसलिए है कि यहाँ हमारे देश के लोग जो हैं, जो दिल्ली और हिंदी भाषी लोग हैं, उन्हें याद होगा कि मेरा नाम जोकर जब आई थी तो उसमें एक लाइन थी, जब जो मेन करेक्टर राज कपूर होता है, जो जोकर बनता है, तो उसकी माँ मर जाती है। अब माँ मर जाती है, वो रो रहा होता है, लेकिन उसे लोगों को हंसाना है क्योंकि वो जो है जोकर है। तो जोकर बन के जब हंसाता है तो उस समय वो बोलता है कि शो मस्ट गो ऑन, यानी नाटक होना चाहिए, खेला होबे। तो ये खेला होबे है, और इनको किसी को नहीं पता खेला होबे है। और खेला होबे में जो भेजा हुआ आर्टिस्ट है वो ममता बनर्जी है, तो वो जो है इस समय कर रही है। अब दूसरा सवाल आता है जो आपने मुझसे पूछा कि नारे कहाँ से लाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इतिहास की समझ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदुस्तान के साहित्य और संस्कृति और कला, इन तीनों की समझ नहीं है। ये लोग जो है एक तरह से इस मामले में बिल्कुल जैसे उजड़ा खेत होता है ना, उजड़ा चमन, वो है। और इसीलिए जो नारे चुराते हैं। तो जब इन्होंने नारा चुराया कि भाई सोनार बांग्ला, तो सोनार बांग्ला का नारा जो इन्होंने जब चुराया तो मैं ढूंढता रहा कि कहाँ से हो जाऊँगा। फिर आप देखेंगे कि 2014 से, उससे पहले भी मोदी जी बात कहते हैं नया इंडिया, न्यू इंडिया। इन्होंने 2014 से दे रहे हैं न्यू इंडिया, तो 2014 से दे रहे हैं न्यू इंडिया, तो मोदी जी के पास कहाँ से न्यू इंडिया का नारा आया? फिर अभी आप देखेंगे कि बीच बीच में ये जो है मुसलमानों को बरगलाने के लिए दो नारे देते हैं, भारत माता की जय, और एक कहते हैं कि वंदे मातरम।
तो ये सारे नारों का मैं खोज कर रहा था, करते करते मेरे को एक किताब हाथ लगी, जो ये किताब है जिसमें कि आप देखेंगे कि टाइटल पर लिखा हुआ है न्यू इंडिया। न्यू इंडिया का मतलब यह है कि 2007 में किताब छपी बंकिम चंद चटर्जी के बारे में, तो इससे पता चलता है कि न्यू इंडिया नारा जो है वो बंकिम चंद चटर्जी ने 1905 में आज से 116 साल पहले दिया था बंगाल में। कि और वो इसलिए दिया था कि जब बंगाल को दो हिस्सों में बटाया गया था, जैसे बंग भंग बोलते हैं, वो किया, तो उसके विरोध में इन्होंने जो अखबार निकाला उसका नाम था न्यू इंडिया, और इन्होंने एक विचारधारा दी। आप देखेंगे कि जब आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा कि 1921 में इन्होंने एक अखबार निकाला, उसका नाम था वंदे मातरम, और वंदे मातरम का उद्घोष जो है विपिन चंद पाल ने किया, और 1921 में यानी आज से 100 साल पहले किया, और उसका एक अखबार भी निकाला। और वो नारा उन्होंने कहाँ से लिया, उन्होंने जो आनंद मठ किताब लिखी थी जी 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 बंकिम चंद चटर्जी ने, उसका जो टाइटल था उसको उन्होंने एक नारा बनाया अपनी रैलियों में, अपने अखबार में, और उसे प्रचारित किया। और उसके बाद उन्होंने जो सोनार बांग्ला का नारा है 1926 में बंगाल में दिया कि हमें कैसा बंगाल बनाना है, तब उन्होंने कहा सोनार बांग्ला। तो ये तीनों नारे जो है विपिन चंद पाल ने दिए। विपिन चंद पाल वो आदमी है जिनको हम इतिहास में बाल पाल और लाल लाल तो एक स्लैंग चलता है यानी बातचीत चलती है, लाल बाल पाल। लाल का मतलब लालू लाजपत राय, आजादी के कर्णधार थे। बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बंकिम विपिन चंद्र पाल। तो एक आदमी जो था लालू लाजपत राय पंजाब के थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के थे, संयुक्त महाराष्ट्र के, और ये जो है विपिन चंद पाल बंगाल के थे। तो एक तरह से तीनों ने एक ट्राइंगल बनाकर, एक त्रिकोण बनाकर पूरे देश को जगाया 1905 में जगाया। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी जो मातृ संस्था है राष्ट्र स्वयं सेवक संघ, वो 1925 में बनी, और 1925 से लेकर इन्होंने इन तीनों महापुरुषों का कभी नारा नाम नहीं लिया, कभी ये उनको देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं मानते, तब कभी बड़े इनको नायक नहीं मानते, वो इसे नहीं मानते क्योंकि ये तीनों के तीनों जो कांग्रेस के कर्णधार थे, कांग्रेस को चलाने वाले थे, कांग्रेस के नेता थे जी जी। और इसीलिए आज़ादी के सारे नारों में जितने भी नारे हैं वो बड़ी अजीब बात है कि वो सारे के सारे नारे जो है वो कांग्रेस ने ही दिए, क्योंकि कांग्रेस ही आंदोलन चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी का उस समय कोई नारा भी नहीं था, ना इनका अस्तित्व था, क्योंकि आरएसएस का अस्तित्व नहीं था। आरएसएस थी तो वो, लेकिन बड़ी एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी और चमचागिरी में लगी हुई जासूसी संस्था थी, और इनको जब उस समय की भाषा में टोडी बच्चा बोला जाता था। टोडी मीन होता है कि जो जासूस हो, जो गुलाम हो, दूसरे की जो है चुगलखोरी करता हो। टोडी बच्चा इसलिए बोला जाता था जी, टोडी बोलते हैं, टोडी इंग्लिश का शब्द है, तो टोडी बच्चा इसे बोलते थे कि ये अंग्रेजों के चमचे हैं, अंग्रेजों के गुलाम हैं, तो इसलिए इनका एक तरह से गाली थी। तो अब ये आपकी जो बात है कि आपने बात की कि इनके पास नारे कहाँ से आते हैं, तो मैंने आपको प्रमाण सहित बताया कि सारे बीजेपी के नारे जो हैं इनकी उपज नहीं है, चुराए हैं इन्होंने, और चुराकर जो है ये लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास जो है जिस आदमी, जैसे सच और झूठ में एक ही फ़र्क होता है कि सच सीना तान कर खड़ा रहता है, झूठ जो है सच की बातें चुरा कर पूरी दुनिया में बांटता है, लेकिन जब एक दिन उसका पर्दाफाश होता है तो सबको पता चलता है झूठ है, और ये झूठों की सरकार है, झूठों की पार्टी है, झूठे ही चुनाव लड़ रहे हैं, और झूठे ही सोच रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे लेकिन नहीं पाएंगे। लेकिन इनको दो मदद देने वाले लोग जो हैं बड़े विचित्र लोग हैं। एक चुनाव आयोग है जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा, वो जो है अभी आप देखेंगे 13 अप्रैल 2021 को रिटायर होने वाले हैं। अब वो रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद 10 दिन बाद जो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं बोबड़े साहब, वो भी रिटायर हो रहे हैं जी जी। दो इनके तो बोबड़े साहब के काल के बारे में अगर आप सोचें तो जो बड़े मामले थे उसको उन्होंने आप देखेंगे दरी के नीचे या कालीन के नीचे छुपा दिया। 370 का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आज तक नहीं दिया, 35A का फैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, CAA का फैसला आज तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। और विचित्र बात आपको लगेगी कि 8 नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई थी, 5 साल होने जा रहे हैं आज तक उसका भी फैसला नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की मुख्य आप समझिए कि प्राथमिकताएं जो हैं वो जनता को न्याय देने की नहीं रही,
अब बोबड़े जी ने उसी का प्रतिनिधित्व किया। उससे पहले जो है गोगोई थे, रंजन गोगोई, वो भी सरकार के इशारों पर चलते रहे। तो लेकिन आगने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि अब जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे एनवी रमन्ना, वो मुझे लगता है कि वो जरूर जो है, क्या रमन्ना जी का कलेजियम में नाम आ गया क्या? वो ना आए लेकिन वो बनेंगे। अच्छा, हाँ, एक बात मान के चलिए, सरकार जो है बड़ा उनके साथ शहर मात का खेल खेल रही है, जिसे कहते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट, के पहले नज़र कौन झुकाए। तो वो जो है रमन्ना से उस तरह की एक तरह से ये सौदेबाजी होती है। अच्छा। वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रमन्ना ही देश के अगले प्रधान न्यायाधीश बनेंगे। और सुनील अरोड़ा के जाने के बाद मुझे लगता है कि नया जो चुनाव आयुक्त आएगा वो इतना बेशर्म नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा कि बेशर्म नहीं होगा, लेकिन इतना बेशर्म होने के लिए बहुत ही बड़ी जो है गेंडे जैसी खाल चाहिए। जो असम में चुनाव हो रहे हैं ना, वहाँ के लोग जानते हैं गेंडे की खाल क्या होती है। उसके जो है वो बनते थे, आप देखेंगे, शील्ड बनती थी। हाँ, तो वो जो लड़ाई में काम आती, ढाल बनाती थी। तो मुझे लगता है कि ये जाएंगे, और इन दोनों के जाने के बाद देश में एक ठंडी और बयार आएगी, ठंडी हवा आएगी और लोगों को थोड़ी राहत देगी, ये मेरा मानना है। और मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा शिराजा है वो बिखरता जा रहा है। इनकी पोल खुल गई है, इनकी असलियत लोगों के सामने आ गई है, और ये सबको पता चल गया है कि ये जो है एक रंगे से आ रहे हैं, जो अपने को विचित्र प्राणी होने का दावा करते थे, लेकिन बरसात में जैसे रंगा शियार के ऊपर पानी गिरा और वो हुआ हुआ करने लगा, तो हुआ हुआ करने की बात जो है जनता तक पहुंच गई है और इनका पतन जो है निश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी। इसी के साथ हम आपसे रहते बता अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।